यदि आप चाहते हैं कि आई सी आई सी आई बैंक एस बी आई इन्फोसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज एल टी इस तरह की ब्लू चिप में आपकी हिस्सेदारी हो तो आपके पास एक चॉइस है कि आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका मिनिमम एट्टी परसेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेट होता है जिस तरह से यदि कोई चीज बहुत ऊंचाई पर हो तो उसके डूबने की संभावना उतने ही कम होती है। उसी तरह से लार्ज कैप स्टॉक्स काफी स्टेबल होते हैं तो यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है नमस्कार मैं हूं पंकज मटपाल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं बात करूंगा आदित्य बिरला लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड की एक ऐसा लार्ज कैप फंड जिसने 30 अगस्त 2022 को अपने 20 सक्सेसफुल इयर्स कंप्लीट किए हैं ये स्कीम थर्टियथ अगस्त 2002 को लॉन्च हुई थी और सिंस इनसेप्शन इस स्कीम ने 19 परसेंट से अधिक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है वहीं यदि लास्ट थ्री इयर्स का सीएजीआर देखें तो वो भी अराउंड 19 परसेंट रहा है वॉलिडिलिटी या उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट का बेसिक नेचर है ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट हमेशा एक जैसा परफॉर्म करता है या कोई इक्विटी फंड हमेशा सेम रिटर्न्स डिलीवर करता है लेकिन इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर एक बात समझ में आती है कि इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपार संभावना है हालांकि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का एक्सपोजर मल्टीपल सेक्टर्स में होता है लेकिन एक स्कीम की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स कैसा है और स्कीम के पोर्टफोलियो में उनका वेट किस तरह से डिसाइड किया गया है यदि हम आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड की बात करें तो मैक्रो पैरामीटर्स इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स बिजनेस एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट एंड ग्लोबल फैक्टर्स ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर स्कीम के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेट बेंचमार्क पोर्टफोलियो के मुकाबले स्लाइटली कम या ज्यादा किया जाता है ताकि फंड अक्रॉस मार्केट साइकिल बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर सके यदि स्कीम के करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें टॉप फाइव स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक इंफोसिस आरआईएल एंड एलएनटी वहीं यदि सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालें तो बैंक्स आईटी फाइनेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल टॉप फाइव सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट द्वारा किए गए रिफॉर्म्स एंड मार्केट आउटलुक को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के पोर्टफोलियो से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यदि किसी इन्वेस्टर ने एज ऑन थर्टी ऑगस्ट टू टू यानी कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस वक्त पर टेन थाउजेंड रुपीज लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो इस वक्त पर वो बढ़कर हो गए होते लगभग थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज वही यदि किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम के इंसेप्शन से टेन थाउजेंड पर मंथ की एस शुरू की होती तो इस वक्त उस इन्वेस्टर के पास इकट्ठे हो गए होते करीब एक करोड़ तैतीस लाख रुपए हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं मिलती लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है मिस्टर महेश पाटिल जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी हंड्रेड टीआरआई है और एज ऑन 31 जुलाई 2022 स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 21534 करोड़ का है इन्वेस्टर्स को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने कोर पोर्टफोलियो में मेजर एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स में रखना चाहिए और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हिस्ट्री को देखते हुए मेरे हिसाब से ये स्कीम एक सही चॉइस हो सकती है तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक यू जय हिंद म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।